हमारे चकबंदी विभाग के समस्त अधिकारियों को नमस्कार। बहुत समय बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। परसों से 26 जनवरी से मैं सोच रहा था कि अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाऊं, संकोच कर रहा था, लेकिन अंततः मैंने ये महसूस किया कि ये बात आप लोगों तक जानी चाहिए। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दो बातें हैं। 26 जनवरी वाले दिन हम तहसील परिसर में सम्मिलित होते हैं और मैं देखता हूं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को वो लोग अपने कर्मचारियों को, अच्छा करने वालों को सम्मानित करते हैं। पुलिस में मैं देखता हूं वो सम्मानित करते हैं, अन्य विभागों में मैं देखता हूं वो लोग अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित करते हैं। इत्तेफाक से 26 जनवरी को ही हमारी बनारस में गए, अपने एक स्टाफ से बात हुई तो हमें ये जान के बड़ा गर्व का अनुभव हुआ कि वहाँ जिलाधिकारी द्वारा हमारे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी महोदय को सम्मानित किया गया और बड़ी तारीफ वो लेखपाल हमसे कर रही थी कि हमारे एसओसी साहब बहुत ही अच्छे, और हमें पहले से भी पता है कि वो बहुत ही अनुशासन प्रिय, बहुत ही कर्मठ हैं। ऐसे अनेक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी हैं। मौर्य जी की गोरखपुर में बड़ी प्रशंसा होती थी। सागर साहब को, डॉक्टर सुरेश सागर साहब को तो रोशन जैकब मैडम ने सम्मानित किया था, हमने पत्रिका में भी उनका जिक्र किया था। तो हमारा कहने का मतलब ये, जब हर विभाग अपने अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आखिर अच्छे और कम अच्छा करने वालों में जब तक भेद नहीं होगा तब तक कम अच्छा करने वाले अच्छा करने वाले की ओर आकर्षित कैसे होंगे, अच्छा कार्य करने की ओर उन्मुख कैसे होंगे। तो जहां हम खराब कार्य करने पे तत्काल दंडित करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो हमारे बीच अच्छे हैं, कुछ तो हमारे बीच अच्छा कार्य किया जाता है, वो लोग जो अच्छा कार्य करते हैं, अनुशासित हैं, विभाग के लिए कुछ नया कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने की परंपरा डाली जाए। मेरा ऐसा अनुरोध है अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से, खास करके विभागीय अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि ये परंपरा शुरू करी जाए अच्छों को सम्मानित करने की, कम से कम वर्ष में एक बार सम्मानित करने की परंपरा शुरू करी जाए, और मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर साबित होगा। दूसरा मेरा एक अनुरोध और था कि मानव संपदा पोर्टल बना, हम लोगों ने अपने सारे लेखपालों का डेटा फीड कराया, सारे स्टाफ का डेटा फीड हुआ, आज वो अपनी एंट्री, अपना रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन देख सकते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि क्या कमियां हैं उनकी। परंतु हम अधिकारियों का जो रिकॉर्ड चकबंदी निदेशालय में है, चाहे हमारी एंट्रीज हो या अन्य रिकॉर्ड हो, उसके संबंध में अगर हमको देखना है या हमको पता करना है तो या तो हमारे कोई साथी वहां जाकर के पता करके बताते हैं और या हमें स्वयं लखनऊ जाना पड़ता है पता करने के लिए कि क्या पूर्ण है क्या नहीं है। तो जिस प्रकार सारी एंट्रीज मानव संपदा पोर्टल पर लोअर स्टाफ की फीड हुई, मेरा अनुरोध है कि चकबंदी निदेशालय भी जो हम अधिकारी वर्ग की एंट्रीज हैं या अन्य जो आवश्यक रिकॉर्ड हैं उनको ऑनलाइन फीड कराएं, ताकि इस संबंध में जो प्रायः समस्याएं होती रहती हैं उन समस्याओं से निदान पाया जा सके। एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सब बहुत अच्छे से रहें, बहुत खुशहाल रहें, और अनुरोध है कि ये दो कार्यों पे भी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हम लोगों को सपोर्ट करें। धन्यवाद।